चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है इंडिया एग्रीकल्चर। देखो, इस चैप्टर में आपने एग्रीकल्चर के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन समझी ना, कि जिनमें एग्रीकल्चर के टाइप्स हमने देखे, और इंडिया में कौन कौन से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं मेनली, वो हमने समझे थे ना, जिनमें अलग अलग ग्रेन्स, पल्सेस, बेवरेजेस, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप्स, इन सबके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी ना। और आज हमें चैप्टर का आखिरी टॉपिक देखना है, जो है एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब क्या? एग्रीकल्चर में आए हुए चेंजेस। हमें पता है ना कि भाई पहले से लेकर अभी तक हमारे एग्रीकल्चर में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले जिस तरह से इंडिया में एग्रीकल्चर होता था ना, ओल्ड मेथड से, पुरानी चीजों से, और अब एग्रीकल्चर होता है न्यू मेथड से, न्यू टेक्निक, न्यू मशीनों से। तो वो चेंजेस अब हमें सबसे पहले समझने हैं। और ये चेंजेस या ये रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का हो तो ये रिफॉर्म्स दो टाइप के आते हैं। एक आता है, उसे कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और दूसरा कहलाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट के रूल्स भी हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो वो चेंजेस, वो रिफॉर्म्स अब हम लोग सबसे पहले समझें, कि जिनमें जिन रिफॉर्म्स में अब हम लोग पहला रिफॉर्म देखेंगे, जो है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल मतलब के टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिफॉर्म्स। तो हमें पता है कि पहले के टाइम में जैसे फार्मिंग होती थी ना, तो उनमें कैसे वो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जैसे कि सिक्कल, वो हो कहते, पावड़ा कहते थे, प्लाऊ कहते हैं, बुलक कार्ट कहते हैं, नहीं वो गाय और बैल के पीछे वो प्लाव लगाकर और फिर पूरे जमीन को जो है वो जोता जाता था, है कि नहीं। तो पहले ऐसी पुरानी मेथड यूज होती थी, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो आ गए, टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो गया, तो अब हर एक में मशीनें यूज होती हैं, है कि नहीं। एग्रीकल्चर में अब मशीन का यूज होता है, कि जहां पर ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, रोटेवेटर्स, तो ऐसी कितनी सारी मशीन यूज होती हैं। पहले बताए, जब प्लांट तैयार हो जाता था तो उनकी हार्वेस्टिंग की जाती थी, कि पूरे खेत में इन प्लांट्स को काटा जाता था, जो हाथ से काटते थे। अब उसके लिए भी हार्वेस्टर मशीन आती है। प्लांट में से एक एक सीड अलग किया जाता था, वो भी हाथ से अलग किया जाता था, अब उनके लिए थ्रेशर मशीन आती है। तो हर एक काम के लिए ऐसी अलग अलग मशीन अब यूज होने लगी है ना, है कि नहीं। और इनके अलावा भी दूसरी भी कितनी सारी चीजें चेंज हुई है, कि जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज देखे ना, वाटर रिलेटेड फैसिलिटीज अगर समझे ना, तो पहले के टाइम में खेती में पानी देने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, या तो दूर दूर से खुद जो है वो पानी भर कर लाना पड़ता था, या छोटी छोटी कैनल्स बनानी पड़ती थी। और आज के टाइम में, तो आज के टाइम में मशीन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग पंप आ चुके हैं, सबमर्सिबल पंप, यानी मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, है कि नहीं। तो ऐसे पंप, पंप मतलब कि जैसे एक मोटर की तरह, कि जो जमीन के अंदर से सीधा जो है वो पानी बाहर निकालते हैं। अब जैसे आपके घर में भी पानी की मोटर लगी हुई होती है ना, है कि नहीं, कि जो जमीन का सीधा पानी बाहर निकालते हैं। तो अब ऐसे ही पंप, ऐसी ही मोटर वो किसानों के लिए भी यूज होती हैं। इनके अलावा इरिगेशन की अलग अलग फैसिलिटीज अब यूज की जाती है, जिनमें ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, है कि नहीं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो तो उसके लिए अब स्पेशल फर्टिलाइजर यूज होते हैं, कि जिसमें डीएपी फर्टिलाइजर, डीएपी जिसे कहते हैं डाई एमोनिया फॉस्फेट, सुनना ध्यान से, डीएपी फर्टिलाइजर, डाई एमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर, या तो एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेश, तो ये फर्टिलाइजर। इनके अलावा दूसरे भी कितने सारे लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं, कि जिनसे अब प्लांट की क्वालिटी भी अच्छी आती है। जो ये प्लांट्स, जो क्रॉप्स तैयार होते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। और अगर बात करें ना, तो टेक्नोलॉजी में और जो जो चेंजेस हुए, कि जिन चेंजेस में अब फार्मर्स की फैसिलिटीज के लिए अब गवर्नमेंट ने टेलीविजन पर स्पेशल चैनल भी शुरू कर दी है। आपको याद है कि आपके टेलीविजन में, कभी चेक कर लेना आपकी टीवी में, उसमें डीडी किसान करके चैनल चलती है, डीडी किसान, कि जिनके ऊपर फार्मर्स के लिए कौन सी नई क्या
क्या कह सकते हैं, क्या अपडेट हुआ है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, फार्मर्स को कैसे काम करना चाहिए, तो उनके रिलेटेड उन्हें वहां पर समझाया जाता है, नॉलेज दी जाती है उस चैनल पर। इनके अलावा फार्मर्स के सपोर्ट के लिए अब गवर्नमेंट हमेशा रहती है, अब फार्मर्स के लिए स्पेशल एक तरह की एप्लीकेशन शुरू की गई है। हाँ, फार्मर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन चलती है कि जिस एप्लीकेशन में आप लोगों को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, टोल फ्री नंबर मिलता है उसमें, कि जिसमें आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को, तो वो गवर्नमेंट उन्हें देती है। इनके अलावा ऐसी एप्लीकेशन जो चलती है, जैसे कि एक एग्री मार्केट करके एप्लीकेशन है, आप लोग भले चेक कर सकते हो, एग्री मार्केट के, जहाँ पर किसानों का जब अनाज तैयार हो जाता है ना, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि बीच में होते थे वो क्या कहते हैं कि जो ब्रोकर्स होते थे, ठीक है, कि जहाँ पर ब्रोकर्स बहुत बड़ी कमीशन ले जाते थे ये उनके सामान बेचने के लिए, उनके क्रॉप्स बेचने के लिए, और जिनसे फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम नहीं हो पाती थी, मेहनत पूरी उनकी और बीच में कमीशन ब्रोकर लेके जाते थे। तो अब ऐसा न हो ना, तो इनके लिए अब गवर्नमेंट ने एग्री मार्केट करके एक एप्लीकेशन शुरू की है कि जहाँ पे फार्मर्स का क्रॉप्स तैयार हो जाए ना, तो वो ऑनलाइन वहां पर बेच सकते हैं, कि जिनमें बीच में कोई ब्रोकर की जरूरत नहीं है, तो सीधा प्रॉफिट इनको मिलता है ना, है कि नहीं। अब हर एक गांव में पर्टिकुलर ऐसी संस्थाएं चलती हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशन चलती हैं कि जो वहां के फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें सपोर्ट देते हैं, कि जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ कर सकें। क्योंकि देखो, फार्मर्स हैं ना, ऑलमोस्ट कैसे, ज्यादातर फार्मर्स इलिटरेट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें, है ना, या उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि भाई ये नई चीज आई है तो उस नई चीज का हम लोग खेती में यूज कैसे करें, उन्हें पता ही नहीं होता। तो फिर उन्हें कोई पहली बार सिखाने वाला तो चाहिए ना। तो अब सरकार ने ऐसी संस्थाएं बनाई है कि जो उन्हें गांव गांव जाकर ऐसी चीजें सिखाती हैं, कि आज के टाइम में तो पर्टिकुलर ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बने हुए हैं कि जहां पर एग्रीकल्चर का कोर्स है, मतलब आप लोगों को, आप अभी 10th में हो कि 11th 12th के बाद जब आप लोग कॉलेज में जाते हो, अपने लिए कोई फील्ड पसंद करते हो कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई सीए या कोई और कुछ, जो भी बनना चाहता हो, अब इनमें कॉलेज में ये भी कोर्स चलते हैं कि अगर आपको फार्मर बनना हो तो, ये भी कोई छोटा जॉब नहीं है या छोटा वर्क नहीं है, खेती करना वो हमारे इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड वर्क में माना जाता है कि नहीं। इन खेती करने से, इन किसानों की वजह से पूरी इंडिया के सभी लोग खाना खा पाते हैं, इनकी वजह से ही ना, तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। तो इसकी वजह से, इसके लिए अगर आपको फ्यूचर में जो है वो अगर किसान भी बनना हो ना, तो उनके रिलेटेड कोर्स भी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। ऐसी कितनी सारी एग्रीकल्चरल रिलेटेड यूनिवर्सिटीज वो हमारे गुजरात में भी है, हमारे गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद, नवसारी, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है कि जहाँ पर आपको फार्मिंग का कोर्स सिखाया जाता है कि अगर फ्यूचर में आपको फार्मर बनना हो तो। और इनके अलावा जैसे मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट ने अलग अलग संस्थाएं बनाई है जो इस एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूसली वर्क करती हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज बनाती है, नए नए रिसर्च करती है। अब आपको पता है ना कि पहले जो सीड्स तैयार होते थे, वो सीड्स फार्मर रेयरली समझो जो है वो चेक करवाते थे उसे, मतलब जैसे सीड है ना वैसे ही सीड से खेती कर देते थे। लेकिन अब आते हैं बीटी सीड्स, बीटी मतलब कहलाते हैं बायोटेक्निकल सीड्स। ऐसे बायोटेक्निकल सीड्स जो बीटी सीड्स कहलाते हैं, वो ऐसी संस्थाएं तैयार करती हैं कि जिनके थ्रू अगर खेती की जाए ना, कि ऐसे सीड्स पर्टिकुलर लेबोरेटरी में तैयार होते हैं और उनसे अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो उनसे क्रॉप्स काफी अच्छा बनता है ना, बहुत ही अच्छा उनसे क्रॉप्स तैयार होता है, ठीक है। तो ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक संस्था है, ICAR कहते हैं, या दूसरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE। तो ये दोनों संस्थाएं हैं जो हमारी कंट्री में ये एग्रीकल्चर के लिए वर्क करते हैं। तो देखो, ये सब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए हैं ना, और इन रिफॉर्म्स की वजह से हमारी एग्रीकल्चर में काफी ग्रोथ हुई है। और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बाद दूसरे आते हैं, वो आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब क्या, कि मतलब समझो कि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन फार्मर्स के रिलेटेड बहुत सारे नए रूल्स बनाए हैं। पहले के टाइम में फार्मर्स के साथ क्या होता था पता है, किसान के साथ, जब ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था तब, तब उस वक्त किसान वो अक्सर, उनको कोई भी कर्जा होता है या कुछ भी होता है, पहले ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था कंपलसरी, और उनके पास अगर पैसे ना हो, ब्रिटिशर्स को कंपलसरी टैक्स देना पड़े, तो उनके लिए उन फार्मर्स को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। और वो गिरवी रखते थे उन गांव के कोई जमींदार के पास, गांव के जमींदार कहलाते, कि भाई बहुत ही रिच पर्सन है, कि गांव की 90% जमीन उनके हाथ में होती थी, तो वो जमींदार कहलाते थे। तो किसान अपनी जमीन उनके वहां गिरवी रख देते थे, और फिर वो जमींदार उन किसानों को अपनी ही जमीन में भाड़े की तरह जो है वो रखते थे, ठीक है ना, उनसे उनकी जमीन का रेंट वसूल करते थे। और वो इस तरह से उन किसानों को फंसा देते थे, क्योंकि किसान होते थे इलिटरेट, उन्हें पता नहीं होता क्या करें कैसे करें, और उन्हें इस तरह से फंसा देते थे कि उन किसानों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन उनका कर्जा खत्म नहीं होता था। जमींदार उनकी जमीन अपने नाम पे ही करवा देता, उनका कर्जा कभी खत्म ही नहीं होता। भाई मुझे अगर कोई चीज खरीदनी है तो मैं पैसे जमींदार से उधार लूंगा और अपनी जमीन गिरवी रखूंगा ना, तो कभी ना कभी वो उधार पैसे वापस देकर अपनी जमीन वापस भी तो ले सकता हूँ ना। लेकिन पहले के टाइम में जमींदार ऐसे होते थे कि वो ऐसे उन किसानों को फंसा देते ना, उस ब्याज के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में, कि वो किसान जिंदगी भर अपना कर्जा उतार ही नहीं पाते थे, है कि नहीं। और इनकी वजह से किसानों के पास उनकी जमीन रहती ही नहीं कभी भी, बरोबर। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने अब ये जमींदारी प्रथा ही बंद करवा दी, ये जमींदारी सिस्टम वो अब बंद करवा दिया है। और इनके लिए एक नया लॉ बनाया गया, जिसे कहते हैं लैंड टेनेंसी एक्ट, या शॉर्ट में कहा जाता है लैंड टू द टेलर, हमारे गुजराती में इसे कहते हैं खेड़े तेनी जमीन। एक नया रूल बनाया है गवर्नमेंट ने कि आज कोई भी किसान मजदूर की तरह अगर कोई भाड़े पर, कोई जमीन पर 11 साल से ज्यादा काम करता है ना, तो वो जमीन उसकी हो जाती है ना। कोई किसान भाड़े पर रहकर अगर 11 साल से ज्यादा वहां पर काम करता है कोई जमीन पे, तो वो जमीन उसकी हो जाती है। तो सोचो ये किसान के लिए, कोई गरीब किसान के लिए ये कितना फायदेकारक कहलाया, सही बात है ना। गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला ना, ठीक है। इनके अलावा अब गवर्नमेंट जो है वो इन किसानों को फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, फाइनेंशियल मतलब के मनी रिलेटेड हेल्प। अब गवर्नमेंट को कोई भी लोन चाहिए तो वो किसानों को कोई भी तरह की लोन चाहिए तो वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इजीली मिल जाती है। गवर्नमेंट ने किसानों के लिए स्पेशल किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया है, किसान क्रेडिट कार्ड, के जिनके थ्रू उन्हें काफी सारे फायदे मिलते हैं। इनके अलावा किसानों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि वो इतने महीने काम करते हैं, इतनी मेहनत से वो अपने क्रॉप्स तैयार करते हैं, लेकिन सडनली कभी जो है वो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी कैसे बाढ़ आ जाती है, जोर से तूफान आ जाता है, या तो उनके खेतों में आग लग जाती है, तो पूरे के पूरे उनके क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं, और उनकी 3-4 महीने की मेहनत पानी में। और सिर्फ ये 3-4 महीने की मेहनत नहीं होती, उनके पीछे उनके पूरे साल की कमाई चली जाती है ना, ठीक है ना। उनका तो पूरा जो है समझो क्या कह सकते हैं, बैलेंस ही बिगड़ जाता है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ऐसी चीजों के लिए फार्मर्स को इंश्योरेंस की सेफ्टी देती है, इंश्योरेंस सेफ्टी मतलब अब गवर्नमेंट खुद फार्मर्स के लिए ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाती है कि अगर फार्मर्स के क्रॉप्स को कुछ भी नुकसान हो जाए ना, तो फार्मर्स के पैसे डूबे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसे उन्हें मिल जाते हैं, बरबर ना। या कभी कभी कोई साल बिल्कुल बारिश ना हो, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और उनकी खेती खराब हो जाए, तो ऐसे वक्त भी गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देती है, पैसों की हेल्प उन्हें देती है। या तो अगर कोई फार्मर को कोई लीगल हेल्प चाहिए हो ना, तो इनके लिए भी अब गवर्नमेंट की अलग अलग संस्थाएं काम करती है, कि अगर फार्मर को कोई भी तरह की लीगल हेल्प की जरूर हो तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या इनके अलावा फार्मर्स को पहले प्रॉब्लम होती थी कि अपने ये जो भी अनाज वगैरह है, जो भी वो खेती करते हैं, तो उन सबकी स्टोरेज कैसे करें, उन सबको सेलिंग कहाँ पे करें,
तो इसके लिए अब गवर्नमेंट उन्हें गोडाउन की फैसिलिटीज देती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देती है, खुद मार्केट गवर्नमेंट अब उन्हें बना कर देती है। मार्केट बना कर देना मतलब कि भाई उन्हें जो है अब सामने से वो प्लेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप लोग यहाँ पे जाके सेल करो, कि जिससे फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम वहां से मिल जाती है कि नहीं। तो देखो इतनी सारी सपोर्ट वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना, और इनके लिए भी अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं कि जिससे आज के टाइम में फार्मर्स को पहले जितनी मुसीबत उठानी पड़ती थी ना, अब उतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है। तो देखो इन रिफॉर्म्स की वजह से हमारे एग्रीकल्चर में कितने सारे चेंजेस हुए, और एक जो मेन चेंज हुआ ना, जो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ध्यान से सुनना ये टॉपिक। हमारी कंट्री कौन सी कंट्री कहलाती है? एग्रीकल्चरल कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर वो मेन है ना, लेकिन फिर भी आजादी के बाद भी, आजादी के 10 सालों तक भी, ठीक है, 1960 तक हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए ही पूरा खाना नहीं मिलता था। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमें बाहर के देशों से सब खाने की चीजें मंगवानी पड़ती थी। कि भले अगर अनाज की ही बात करो ना, कि नॉर्मल व्हीट, राइस, कुछ वेजिटेबल्स, तो ये सब चीजें यहाँ पर पूरी तैयार नहीं हो पाती थी कि इंडिया के करोड़ों लोगों को पूरा खाना मिल सके, और हमें खाना भी बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो सोचो कितनी खराब हालत होती होगी। तो इसकी वजह से 1960 में हमारे गवर्नमेंट ने ये ठान लिया कि और कुछ हो ना हो, कम से कम सबसे पहले हमें हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे फूड में तो हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट मतलब आज के टाइम में कहते हैं ना वो आत्मनिर्भर, ठीक है ना, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए कि कम से कम खाने के लिए तो हमें दूसरे देशों से नहीं मांगना चाहिए ना, बरोबर ना। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है तो यहाँ के करोड़ों लोगों को भी पूरा खाना मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़े चेंजेस करना शुरू कर दिए, ठीक है। और ये जो चेंजेस हुए ना, उन चेंजेस को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। कि यहाँ पर सीड्स की क्वालिटी अच्छी की गई, जो सीड तैयार होते हैं, ठीक है, नए केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए फार्मर्स के लिए। क्या कह सकते हैं कि भाई नई नई फैसिलिटीज हुई, जो आगे हमने रिफॉर्म्स देखे वो सब रिफॉर्म्स। जो जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं मिलती थी फार्मर्स को, वहां वो फैसिलिटी दी गई। कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दी गई। तो हर तरह की फैसिलिटीज उनको दी गई, कि जिसे नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इन ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो चेंजेस आया ना कुछ ही सालों में, 1960 के बाद कुछ ही सालों में जो चेंजेस आया ना, तो वो चेंजेस सच में देखने लायक था। अब हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर वो इतना आगे पहुंच चुका था, इतना जो है वो डेवलप हो चुका था, कि अब हमें सबसे पहले तो हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं ना, उन सबके लिए भरपूर खाना मिल जाता था। कि अब हमें खाने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, या दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता था। अब हमारे खुद के ही देश में इतना पूरा भरपूर खाना बन जाता था। सही बात है ना, आप खुद ही सोचो कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद अगर हमें दूसरे देशों से मांगना पड़े कि भाई हमारे यहाँ पे अनाज की कमी हो चुकी है, कि आप लोग हमें अनाज दो, तो वो कितनी बुरी बात कहलाए। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये चीजें चेंज हो गई, ठीक है ना। और उनसे सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो इतना चेंजेस हो गया आज के टाइम में, तो इतना चेंजेस हो गया कि अब हमारे पूरी इंडिया में सभी लोगों को भरपूर खाना तो मिल ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी खाना स्टोरेज में बच भी जाता है। 1960 के आसपास है ना, ध्यान से सुनना ये बात, 1960 में, अब तो 2020 चल रहा है, कि 1960 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कुछ 40-50 करोड़ थी। हम आज से बिल्कुल आधी, आधी से भी कम। आज जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है ना, उसकी आधी पॉपुलेशन भी उस वक्त नहीं थी, सिर्फ 40-50 करोड़ पॉपुलेशन थी। लेकिन 40-50 करोड़ पॉपुलेशन के बावजूद हमारी कंट्री में इतना खाना नहीं बनता था कि सबको पूरा खाना मिल सके, ठीक
ठीक है ना, इतना एग्रीकल्चर नहीं था कि 40-50 करोड़ लोगों को भी मिल सके। और आज आज इतना डेवलप हो चुका है कि आज 2020 की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेट 130 करोड़ के आसपास है। ठीक है ना, पहले से डबल पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी 130 करोड़ लोगों को रोज दिन में 3 बार खाना मिल जाता है ना। ये एग्रीकल्चर की वजह से ही ना ये इतना डेवलपमेंट ना, कि आज सभी लोगों को दिन का 3 टाइम का खाना, आप सभी खाते ही हो ना, तो ये मिल जाता है एग्रीकल्चर की तरफ से। और सिर्फ मिल ही नहीं जाता, आज हमारे पास उसके बाद इतना स्टोरेज बच जाता है कि अगर 2 से 3 सालों तक बिल्कुल खेती न भी की जाए ना, अगर एग्रीकल्चर 2-3 सालों तक बंद भी हो जाए ना, बारिश ना पड़े या और कुछ प्रॉब्लम, तो भी इतना खाना है कि 2 से 3 साल तक हमारे कंट्री के 130 करोड़ के लोग रोज 3-3 टाइम का खाना खा सकते हैं। तो आप सिर्फ इमेजिन कर लो कि ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, बरबर हम अकेले नहीं है खाने वाले, पूरी इंडिया के 130 करोड़ लोग, और वो भी रोज दिन में 3 बार खाने वाले, तो सोचो कितने अनाज की जरूरत पड़ती होगी। और आज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारी कंट्री इसमें बहुत आगे है। ठीक है, और इनसे इनसे जो जो इफेक्ट हुआ है ना हमारी कंट्री में, वो भी देखने लायक है। कि पहले के टाइम में पता है ड्रॉट पड़ते थे, ड्रॉट मतलब अकाल पड़ता था, खाने पीने की कमी, पानी कम पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, वो अकाल की प्रॉब्लम, वो ड्रॉट की प्रॉब्लम अब हमारी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है अब हमारी कंट्री में। और अगर कभी होता भी हो ना, तो कभी कोई अनाज की वजह से या भूख की वजह से, अगर कोई ड्रॉट की वजह से इंसान मरा हुआ हो, तो ये चीज तो एकदम पुरानी हो चुकी है ना। आज इतना भरपूर अनाज हमारी कंट्री में तैयार होता है, तो ये सब किसकी वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही ना, यही जो चेंजेस आया तो उसे ही तो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं ना, सही बात है ना। अब उनके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है, जिस टॉपिक को हम लोग कहते हैं रोल ऑफ इंडियन, सॉरी एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि ये एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट होता है। इकोनॉमी मतलब कि जो हमारा पूरा देश चलता है, तो उसमें एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा या कितना रोल है। तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारी इंडिया इकोनॉमी में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट वो इनकी वजह से मिलती है, एग्रीकल्चर की वजह से, है कि नहीं। 60% लोग आज भी, बरबर या कहो 50% से ज्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब इतने सारे लोगों को नौकरी वो एग्रीकल्चर की वजह से ही मिलती है ना। ठीक है ना, इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं ना, जैसे जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं इंडिया में, उनमें से 17% 17% प्रोडक्ट वो एग्रीकल्चर के तैयार होते हैं। बरबर, हमारे इंडिया में से कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब बाहर के देशों में भेजा जाता है उन प्रोडक्ट को, और उनकी वजह से हमें कितनी सारी फॉरेन इनकम मिलती है, बाहर की करेंसी मिलती है ना। यहाँ से अगर अमेरिका कोई सामान भेजा जाए, तो वहां से डॉलर में मिलेगी ना इनकम, जैसे कि पैडी, व्हीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबेको, पोटेटोज, ये सब चीजें बाहर के देशों में भेजी जाती हैं। बरबर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। एग्रीकल्चर में, खेती में हमारे देश पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आ जाता है, और सही बात है ना। तो आज हम लोग कह सकते हैं पूरे गर्व से कि हाँ, सच में हमारी कंट्री वो एग्रीकल्चरल कंट्री है कि नहीं। कितनी सारी हमारी इंडिया में जो इंडस्ट्रीज चलती है, वो इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर के भरोसे ही चलती है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, तो ये सभी इंडस्ट्री में से रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर में से ही तो मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात, इस एग्रीकल्चर की वजह से ही हमारी कंट्री के 130 करोड़ लोग वो भरपूर खाना खा पाते हैं रोज दिन के 3 टाइम, बरबर ना। सभी लोगों को फूड प्रोवाइड करता है वो कौन, ये एग्रीकल्चर। जस्ट इमेजिन यही कर लो एक, कि अगर एग्रीकल्चर में ही नुकसान हो जाए,
तो पूरी इंडिया में खाने के भी जो वांदे हो जाएंगे, लोगों को खाना कहाँ से मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसीलिए तो आज एग्रीकल्चर का इतना डेवलपमेंट है ना कि पूरी कंट्री आज इस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें पता है ना, हमने पहले भी कुछ चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि हमारी कंट्री में जो भी वर्क होता है वो तीन सेक्टर में होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर। जहाँ प्राइमरी सेक्टर में ये मेन एग्रीकल्चर आता है और इसके ऊपर ही टोटली डिपेंड होता है क्या, सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर ही सभी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है ना, है ना? अगर ये बंद हो जाए, एग्रीकल्चर में नुकसान हो जाए ना, तो उससे इंडस्ट्रीज में नुकसान हो जाएगा और उससे सर्विस सेक्टर में नुकसान हो जाएगा, बरोबर? और इनके बारे में कुछ अगर नंबर सिर्फ सुनो ना आप लोग, सिर्फ नंबर सुनो, तो 1950-51 में जब आजादी मिली ना, तब हमारे यहाँ पे जितना अनाज तैयार होता था ना खेती में, तो ऐसा 51 करोड़ टन वो पहले तैयार होता था 1950 में। और 2013-14 की आखिरी बात करें, आज से कुल 6 साल पहले, तब हमारे यहाँ पर वो इंक्रीमेंट होके हो गया 265.04 करोड़ टन। 265 मतलब अप्रोक्सीमेट समझो ना, 250 करोड़ टन। इतना अनाज हर साल हमारे इंडिया में तैयार होता है, 250 करोड़, ठीक है ना? तो इतना टन अनाज अगर तैयार होता है, तो जिसकी वजह से हमारे इंडिया की 130 करोड़ जो लोग हैं उन्हें भी पूरा खाना मिल जाता है, और इवन बफर स्टॉक भी रहता है। बफर स्टॉक मतलब कि एक्स्ट्रा भी पड़ा रहता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया ना कि आज अगर 2-3 साल एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, कि अगर खेती ना हो पाए बरोबर, तो भी हमारे पास इतना अनाज पड़ा हुआ है कि सभी लोगों को भरपूर खाना मिल सकता है, ठीक है? सही बात है कि नहीं? और इनके बाद ऐसे ही जनरल एक आखिरी पॉइंट आता है, जो पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, के इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ। याद है आपने आगे के जो चैप्टर में पढ़ा था कि जिसमें हमारे इंडिया के कुछ रिफॉर्म्स हमने देखे थे, कुछ चेंजेस देखे थे, कि जिसमें 1991 के बाद, 1991 के बाद हमारे इंडिया में तीन चेंजेस हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, था कि नहीं? तो उनमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि आज पूरा वर्ल्ड वो एक हो चुका है, कि आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदना या बेचना हो ना, तो वो सिर्फ आप अपने ही देश में नहीं, लेकिन दुनिया के कोई भी कोने में जाकर वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, तो इस ग्लोबलाइजेशन से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट हुआ, तो उससे कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ, दोनों चीजें समझते हैं शॉर्ट में। फायदा ये कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तैयार हुए ना, तो वो प्रोडक्ट अब हम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, ठीक है? जैसे पहले भी बताया ना, यहाँ के पैडी, व्हीट, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, यहाँ के फ्रूट्स, फ्लावर्स, तो ये बाहर के देशों में भी भेजे जाते हैं, तो ये इतना सारा फायदा हुआ हमें। इनके अलावा दूसरा अगर हम लोग ये कहें ना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आज हमारे इंडिया में ये हर एक चीज में अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलती है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो चुका है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं ना आप लोगों को, कि जैसे कल मैंने एक वो एग्जाम्पल दिया था कि जिनमें वो फ्रूट्स में, कि जैसे पहले कोई फ्रूट्स हमारे इंडिया में नहीं थे, कि जैसे कीवी फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, है ना, ऐसे फ्रूट्स वो इंडिया में नहीं थे, आज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं पता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले ऐसे कुछ फ्रूट्स बाहर के देशों से मंगवाए गए, अब खुद उनकी खेती हम लोग खुद करते हैं। कीवी जैसा फ्रूट वो हमारे इंडिया में पहले नहीं उगाया जाता था, अब उगाया जाता है ना? ड्रैगन फ्रूट वो भी इंडिया में पहले नहीं तैयार होता था, ये चाइनीज फ्रूट माना जाता है, लेकिन अब इंडिया में भी वो फ्रूट उगाया जाता है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ना, बरोबर ना? दूसरा अगर ये कहो कि भाई क्या कहते हैं, दूसरे अगर कुछ वेजिटेबल्स की बात करो ना, आप लोगों ने जो आपके एग्जाम्पल आपने देखे हैं वो बता रहा हूँ, आप लोगों के घर पे आप लोग सब्जी में ना कैप्सिकम यूज करते होगे, कैप्सिकम, शिमला मिर्च कहते हैं ना उसे, है ना? कैप्सिकम यूज करते हो ना, तो उस कैप्सिकम में आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम आता था, लेकिन अब कैप्सिकम के अलग अलग कलर्स आते हैं, है कि नहीं? आते हैं कि नहीं?
येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ब्लू कैप्सिकम, ग्रीन के अलावा कलर से आने लगे। तो ये सब किसकी वजह से पता है? इनमें भी इनडायरेक्टली इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का है कि आज पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे ऐसी टेक्नोलॉजी हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं और ऐसे नए नए प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होते हैं। सही बात है ना कि आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करने के लिए हम लोगों ने कुछ चीजों के तो अपनी पैटेंट बना के रखी है। पैटेंट का मतलब कि भाई पूरे वर्ल्ड में नाम होता है कि हाँ भाई ये चीज तो यहाँ की। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं कश्मीर के एप्पल्स, है ना, एप्पल जो तैयार होते हैं वो कश्मीर में एप्पल तैयार होते हैं। तो अब वो एप्पल जब बाहर के देशों में भेजे जाते हैं ना, तो उनके ऊपर पर्टिकुलर लेबल लगाया जाता है कि ये कश्मीर के एप्पल्स। तो आज पूरी दुनिया में नाम माना जाता है कि भाई एप्पल्स कहाँ के, तो इंडिया के, कश्मीर के। तो ऐसे ऐसी पैटर्न, ऐसे नाम अब हमने बना के रखे हैं, तो इतना सारा फायदा हुआ है ना। लेकिन एक दो कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये कि हमारा एग्रीकल्चर की पहले से लेकर अभी तक ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ देशों से पीछे हैं। आज आज भी जो है वो हम लोग बाहर के देशों से जब टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं ना, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आज भी हमारे देश में नहीं है, बाहर के देशों से मंगवानी पड़ती है, तो उतना कर्जा हमारा बढ़ जाता है कि नहीं। और दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि उनके सामने हमें कॉम्पिटिशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कॉम्पिटिशन, कि देखो बाहर के देशों में इतना अच्छा है और हमारे यहाँ पर नहीं है। और उस कॉम्पिटिशन में कितनी बार हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आज भी जो है वो क्या कह सकते हैं, कितनी जगह पर दूसरे देशों की चीजें, दूसरे देशों के प्रोडक्ट यहाँ पर बिकते हैं। शायद आप लोगों ने वो बीच में सुना होगा ना, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि हमारे इंडिया में कहीं पर है ना वो चाइनीज चावल बिक रहे हैं। चावल तो बिक रहे हैं लेकिन चाइनीज कंपनी के, सुना होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे जो है वो न्यूज में वगैरह में आया था ये सब। तो ये चाइनीज चावल बिक रहे हैं मतलब क्या? ये तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि भाई बाहर के देशों से ना चीजें आकर यहाँ पर बिक रही है, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री की चीजें बिकना कम हो जाती है, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर, बरोबर। तो इसीलिए जो है वो ये कहा जाता है कि हमारी कंट्री में जैसे पहले एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना, कि जिससे काफी बेटर हमने डेवलपमेंट किया, तो शायद एक सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में आना चाहिए, कि जिससे पूरे दुनिया को अब बता दें कि देखो हमारी इंडिया सच में वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है, अब इससे डबल ग्रोथ हमारे यहाँ पर होनी चाहिए ना। सही बात है ना ये, ठीक है, समझ आई है बात। तो देखो अब जैसे आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, अब ऐसे ही एसएस के दूसरे चैप्टर्स वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।